I am Professor N. Bizzard, welcomes you all in the 37th lecture of electrical measurement subject. So, my dear students, we have discussed about the ohmmeter in the last lecture, right? So, there are three types of the ohmmeter. First one is the series ohmmeter, second one is the shunt ohmmeter, and थर्ड वन इज दी मल्टी रेंज ओहोमीटर. ठीक है, तो ये तीन ओहोमीटर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं, और एनालॉग एंड डिजिटल मल्टीमीटर, ये भी पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ठीक है, नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट type of the instrument, measuring instrument, that is Megger. Okay, so this Megger is used to measure the insulation resistance of the winding, right? Megger hum use karte hain winding ka insulation resistance measure karne ke liye. Theek hai, Megger jo hai ek measuring instrument hai je apan winding cha insulation resistance measure karnyasathi use karat asto. Theek hai, आता ह्या वाइंडिंग ह्या कुठे कुठं कुठं असतात माहित आहे आपल्याला? मोटर असेल किंवा आपलं जनरेटर असेल, त्यामध्ये वाइंडिंग असतात. ठीक आहे, तर त्या वाइंडिंगचं जे इन्सुलेशन असतं त्याचा रेझिस्टन्स मेजर करण्यासाठी हे जे मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट यूज केलं जातं त्याला आपण म्हणतो मेगर. ठीक आहे, तर ही त्याची डायग्राम आहे. याच्यामध्ये काय काय दिलेलं आहे पहा डायग्राम मध्ये. इथं दोन टर्मिनल दिसत आहेत आपल्याला, T1 अँड T2. सो दीज आर टर्मिनल नंबर 1 and this is terminal number 2, right? So this is guard terminal. ये इधर resistance connect के लिए दिस है तुम्हारा parallel में. ठीक है, so this is R1, here is X1, X10 है, X100. ये आपके multi range के यहाँ पे reactances दिखाए हैं, और यहाँ पे R2 है आपका, ये compensating coil है आपकी. So PC is the pressure coil. यहाँ पे ये L टर्मिनल दिखाए हैं. ठीक है, दिस इज L, यस, दो टर्मिनल यहाँ पे दिखाए हैं, और ये आपका यहाँ पे पॉइंटर है, ये आपकी आयरन कोर है. ठीक, ये आयरन कोर है आपकी, और ये आपका पॉइंटर है, ये आपका करंट कॉइल है, और यहाँ पे ये मैग्नेट्स है N, N, और यहाँ पे यस है, यस, तो ये आपके परमानेंट मैग्नेट्स है, ये आपका जनरेटर है. ठीक है, तो एक ऐसी डायग्राम है मेगर की. क्लियर है, तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है, ताकि आपको मेन एग्जाम में डायग्राम इजीली निकालने हैं. ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है डायग्राम्स की. सारे सब्जेक्ट के जितने भी डायग्राम्स है उसकी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, नाउ इसका कंस्ट्रक्शन देखें क्या हम. So two coils, that is current coil and pressure coil, are mounted at an angle on the same spindle and form the part of the moving system. इसमें दो coils हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक है आपकी current coil और दूसरी है आपकी pressure coil, और ये दोनों coils mount किए हैं आपके same spindle पे एक angle में. ठीक है, ये जो है आपका ये spindle है, और इस spindle पे आपके ये करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल एक कुछ एंगल में ये सेम स्पिंडल पे उनको माउंट किया है, और उससे आपका वहां पे मूविंग सिस्टम बनता है. ठीक है, उससे क्या बनता है आपका मूविंग सिस्टम. ठीक है, तर दोन कॉइल्स आहेत मेगर मध्ये, एक आहे करंट कॉइल आणि दुसरी आहे प्रेशर कॉइल, आणि या दोन्ही कॉइल्स आपण माउंट केलेले आहेत एका अँगल ना सेम स्पिंडल वरती, आणि त्यापासून तिथं मूविंग सिस्टीमचा तिथं पार्ट बनवला जातो. ठीक आहे, या दोन्ही कॉइलचा मिळून मूविंग सिस्टीमचा काय बनवला जातो, एक पार्ट बनला जातो तिथं. ठीक आहे, सो दीज कॉइल्स आर कनेक्टेड टू अ स्मॉल हँड ड्रिवन जनरेटर. ये दोनों कॉइल आपके किसको कनेक्टेड है आपके, ये देखो, ये आपकी प्रेशर कॉइल है और ये आपकी करंट कॉइल है, तो ये दोनों कॉइल्स आपके किसको कनेक्टेड है, जनरेटर, हैंड ड्रिवन जनरेटर है आपका ये, उसको ये दोनों कॉइल्स कनेक्टेड है विथ पोलैरिटी सच दैट
टॉर्क प्रोड्यूस बाय देम विल एक्ट इन अपोजिट टू ईच अदर। ये जो दोनों कॉइल्स आपके हैंड ड्रिवन जनरेटर को कनेक्टेड हैं, उसके पोलैरिटीज के हिसाब से आपको वो कनेक्ट करने होते हैं हैंड ड्रिवन जनरेटर को, ताकि वहां का जो टॉर्क प्रोड्यूस किया करते हैं ये दो कॉइल्स, वो टॉर्क आपका अपोजिट में होना चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, या जब दोन कॉइल्स अपन कनेक्ट के लिए लेते इतने स्मॉल हैंड ड्रिवन जनरेटरला, ते अशा प्रकारे कनेक्ट करायच्या की पोलॅरिटीनुसार आपल्याला त्या कनेक्ट करायच्या, आणि पोलॅरिटीनुसार कनेक्ट केल्यानंतर जे जो टॉर्क प्रोड्यूस केलेला असेल या दोन्ही कॉइल्सनं, म्हणजेच करंट कॉइलनं आणि प्रेशर कॉइलनं, तो टॉर्क हा एकमेकांच्या अपोजिट मध्ये असायला पाहिजे। ठीक आहे, अशा प्रकारे आपल्याला त्या कॉइल्सल्या स्मॉल ड्रिवन जनरेटरला कनेक्ट करायचं। ठीक आहे, हँड ड्रिवन जनरेटरला कनेक्ट करायचं। दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जे आहे, द कॉइल्स बीइंग प्लेस्ड इन द एअर गॅप ऑफ परमनंट मॅग्नेट विल मूव इन इट। जो कॉइल्स आपके वहां के एअर गॅप में परमनंट मॅग्नेट्स के प्लेस किए हैं, वो उसमें मूव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये आपके परमानेंट मैग्नेट्स है, ये एन है और ये एस मैग्नेट है, दो परमानेंट मैग्नेट्स है, और इसमें ये आपके करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल प्लेस किए हैं। तो द कॉइल्स बीइंग प्लेस्ड इन द एयर गैप ऑफ द परमानेंट मैग्नेट मूव विल मूव इन इट, उसमें वो परमानेंट मैग्नेट के एयर गैप में ये कॉइल्स क्या होते हैं आपके, मूव होते हैं। एंड द पोटेंशियल कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ फिक्स्ड कंट्रोल रेजिस्टेंस। आपकी जो पोटेंशियल कॉइल है यानी प्रेशर कॉइल है आपकी, वो सीरीज में कनेक्ट की होती है उसके वहां के फिक्स्ड कंट्रोल रेजिस्टेंस के। ठीक है, जो पोटेंशियल कॉइल है वो आपकी कनेक्ट की है सीरीज में फिक्स्ड कंट्रोल रेजिस्टेंस के। ठीक है, ये प्रेशर कॉइल है, ये फिक्स्ड कंट्रोल रेजिस्टेंस है आपका, उसके सीरीज में ये प्रेशर कॉइल या फिर पोटेंशियल कॉइल कनेक्ट की है। एंड द करंट कॉइल इज इन सीरीज विथ अ रेजिस्टेंस टू कंट्रोल द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आणि जो करंट कॉइल है आपकी वो सीरीज में कनेक्टेड है वहां के रेजिस्टेंस के। ठीक है, ये करंट कॉइल कनेक्टेड है आपके वहां के रेजिस्टेंस के सीरीज में। ठीक है, और टू कंट्रोल द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, क्योंकि वहां का रेजिस्टेंस क्या करेगा, वहां के जो वहां पे जो कंट्रोल करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। तो उस रेजिस्टेंस के सीरीज में वो करंट कॉइल वहां पे कनेक्ट की है। एंड द रेजिस्टेंस अंडर टेस्ट, और रेजिस्टेंस अंडर टेस्ट भी वहाँ रेजिस्टेंस यानी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है वो भी उसके भी सीरीज में ये करंट कॉइल आपकी कनेक्टेड है। ठीक है, करंट कॉइल इज इन सीरीज विद रेजिस्टेंस टू कंट्रोल द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जो रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो रहा है आपको उसको कंट्रोल करने के लिए करंट कॉइल उसके सीरीज में कनेक्ट की है, और जो रेजिस्टेंस अंडर टेस्ट है उसके भी सीरीज में ये करंट कॉइल है आपकी। ठीक है, तो ये करंट कॉइल यहाँ पे दो रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्ट किए दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक रेजिस्टेंस कौन सा है आपका जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए करंट कॉइल, वो एक रेजिस्टेंस के सीरीज में कनेक्टेड है ताकि जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें से उसको वो कंट्रोल कर सके वो रेजिस्टेंस, तो उसके सीरीज में है। और दूसरा जो रेजिस्टेंस अंडर टेस्ट है, रेजिस्टेंस अंडर टेस्ट है। ठीक है, ऐसे दो रेजिस्टेंस के सीरीज में ये आपकी करंट कॉइल कनेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट समझ ला, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मध्ये काय सांगितलं आपण, की जी कॉइल आपण प्लेस केलेली तिथल्या एअर गॅप मध्ये परमनंट मॅग्नेटच्या एअर गॅप मध्ये जी कॉइल आपण प्लेस केलेली ती काय होतात, त्या एअर गॅप मध्ये मूव होतात, आणि तिथली पोटेन्शियल कॉइल आपण तिथल्या फिक्स्ड कंट्रोल रेजिस्टन्सच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेली। ठीक आहे, ही पोटेन्शियल कॉइल आहे आपली, ही तिथल्या फिक्स्ड कंट्रोल रेजिस्टन्सच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेली आहे। ठीक आहे, आणि करंट कॉइल ही सिरीज मध्येच कनेक्ट केलेली रेजिस्टन्सच्या। ठीक आहे, ही करंट कॉइल आहे आपली, ही सुद्धा तिथल्या रेजिस्टन्सच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेली, जेणेकरून जो करंट फ्लो होतोय त्याला तो रेजिस्टन्स काय करेल, आपला कंट्रोल करेल। ठीक आहे, द करंट कॉइल इज इन सिरीज विथ द रेजिस्टन्स टू कंट्रोल द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, आणि द रेजिस्टन्स अंडर टेस्ट, जो
रेजिस्टन्स अंडर टेस्ट आहे, त्याच्या सुद्धा करंट कॉइल कशी आहे सिरीज मध्येच कनेक्टेड आहे, म्हणून इथं दोन रेजिस्टन्सेस दिसत आहेत आपल्याला. ठीक आहे, तर हा आहे तिसरा पॉइंट. फोर्थ पॉइंट आहे, व्हेन द रेजिस्टन्स अंडर टेस्ट इज इन्फिनिटी, जब आपका रेजिस्टन्स अंडर टेस्ट उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, देन नो करंट फ्लोज थ्रू दी करंट कॉइल, आपके तब आपके करंट कॉइल में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है. जब रेजिस्टेंस अंडर टेस्ट की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी, तब आपके करंट कॉइल में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है. ठीक है, एंड द प्रेशर कॉइल विल देयरफॉर सेट इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस. तब आपकी प्रेशर कॉइल क्या करती है, वो खुद को मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर में वो खुद को सेट कर लेती है. प्रेशर कॉइल क्या करती है, जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर में वो खुद को सेट करके लेती है. एंड द पॉइंटर इंडिकेट्स इन्फिनिटी ऑन द डायल. तब आपके पॉइंटर पे पॉइंटर का जो डायल है उस पे आपकी रीडिंग इन्फिनिटी वहां पे इंडिकेट होती है. ठीक है, समझ ला कि जो रेजिस्टेंस है आपला अंडर टेस्ट चा त्याची जर वैल्यू इन्फिनिटी असेल तर आपल्या करंट कॉइल मधून कुठलाही करंट फ्लो होत नाही. अशा वेळेस जी प्रेशर कॉइल आहे ती तिथल्या मॅग्नेटिक ऍक्सिसच्या परपेंडिक्युलर मध्ये स्वतःला सेट करून घेते आणि त्यावेळेस पॉइंटर आपल्याला डायल वरती इन्फिनिटी इंडिकेट करतो. ठीक आहे, सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट है, इफ द रेजिस्टन्स अंडर टेस्ट इज व्हेरी लो, जेव्हा आपला रेजिस्टन्स अंडर टेस्ट ची व्हॅल्यू जेव्हा अतिशय लो असते, देन द हाय करंट विल फ्लो थ्रू द करंट कॉइल, तेव्हा करंट कॉइल मधून अतिशय हाय करंट फ्लो होतो. अँड इट मेक्स द प्रेशर कॉइल टू लाय इन द डायरेक्शन ऑफ ऍक्सिस ऑफ द परमनंट मॅग्नेट. त्यामुळे तिथले प्रेशर कॉइल जे आहे ती तिथल्या परमनंट मॅग्नेटचा जो ऍक्सिस आहे त्याच्याच डायरेक्शन मध्ये लाय केली जाते, म्हणजेच ती त्याच डायरेक्शन मध्ये तिथं प्रेशर कॉइल लाय केली जाते. ठीक आहे, कुणाच्या परमनंट मॅग्नेटचा जो ऍक्सिस आहे त्याच डायरेक्शन मध्ये ती प्रेशर कॉइल तिथं लाय केली जाते. ठीक आहे, अँड ॲज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर कॉइल विल बी नेग्लिजिबल, और वहां का जो इफेक्ट है प्रेशर कॉइल का वो नेग्लिजिबल होने की वजह से द पोजिशन ऑफ द पॉइंटर इन दिस केस इज मार्क्ड एज जीरो. जो पोजिशन रहेगी आपके पॉइंटर की वो इस केस में वहां पे जीरो मार्क करेगा. ठीक है, समझ लो कि जेव्हा रेजिस्टन्स अंडर टेस्ट ची वैल्यू ही लो असणार आहे तेव्हा अतिशय हाय करंट फ्लो होणार आहे आपल्या करंट कॉइल मधून, आणि त्यामुळे तिथली प्रेशर कॉइल ही तिथल्या परमनंट मॅग्नेटच्या ऍक्सिसच्या सेम डायरेक्शन मध्ये तिथं लाय केली जाणार आहे, आणि त्यामुळं कारण तिथला जो इफेक्ट आहे प्रेशर कॉइलचा तो नेग्लिजिबल असणार आहे त्यावेळेस. ठीक आहे, ऍज द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर कॉइल विल बी नेग्लिजिबल. द पोझिशन ऑफ द पॉइंटर इन दिस केस, त्यावेळेस पॉइंटरची जी पोझिशन असणार आहे या केसमध्ये ती तिथं मार्क केली जाणार आहे झिरो. ठीक आहे, नाउ फॉर व्हॅल्यू इन बिटवीन द पॉइंटर विल इंडिकेट व्हॅल्यूज इन बिटवीन झिरो अँड इन्फिनिटी. सो फॉर व्हॅल्यू इन बिटवीन द पॉइंटर, वहां के वैल्यू जो है आपके पॉइंटर के बीच में वो क्या इंडिकेट करेंगे, वहां पे वैल्यूज इंडिकेट करेंगे जीरो एंड इन्फिनिटी के बीच में. ठीक है, जीरो एंड इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बीच में वहां पे वो पॉइंटर वैल्यू इंडिकेट करेगा. ठीक है, नाउ द डायल इज मार्क्ड विथ वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस इन मेगा ओम्स बाय कैलिब्रेशन. जो डायल है आपका वो मार्क करेगा वहां के रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज को मेगा ओम्स में कॅलिब्रेशन से. ठीक आहे, जो डायल आहे तो काय करेल तिथल्या रेजिस्टन्सेसच्या व्हॅल्यू मेगा ओहम्स मध्ये मार्क करेल कॅलिब्रेशनमुळे. अँड व्हेन द इन्स्ट्रुमेंट इज नॉट वर्किंग, जब आपका इन्स्ट्रुमेंट वर्किंग में नहीं होगा देन द पॉइंटर मे रेस्ट ॲट एनी पोझिशन ऑन द डायल. तब आपका पॉइंटर जो रहेगा वो डायल की कोणसी भी पोझिशन पे वो रेस्ट करेगा. ठीक आहे, जेव्हा आपलं इन्स्ट्रुमेंट हे वर्किंग कंडिशन मध्ये नसणार आहे तेव्हा जो पॉइंटर आहे डायल वरती तो कुठल्याही एका पोझिशनला तिथं रेस्ट केलेला असेल. ठीक आहे, सो दिस इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द मेगर. नाऊ विल सी द वर्किंग ऑफ वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ द मेगर. सो इट वर्क ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक अट्रॅक्शन. ये जो मेगर है वो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक अट्रॅक्शन ये प्रिन्सिपल पे वर्क होता है. तो ये क्या होता है इसका स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक अट्रॅक्शन का स्टेटमेंट क्या होता है.
व्हेन अ करंट कैरिंग प्राइमरी कॉइल इज प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। कि जब हम एक करंट कैरिंग प्राइमरी कॉइल वहां पे प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, तब उस पे वो करंट कैरिंग प्राइमरी कॉइल पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। म्हणजेच आपला सिंपली फॅराडेज लॉ आहे इथं सुद्धा, व्हेन अ करंट कॅरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन अ मॅग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपिरियन्सेस अ फोर्स, म्हणजे फॅराडेज लॉ वरतीच हे मेगर सुद्धा आपलं ऑपरेट होत असत, ठीक आहे। त्यालाच आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक अट्रॅक्शन प्रिन्सिपल असं म्हटलेलं आहे, ठीक आहे। सो दिस फोर्स प्रोड्युसेस अ टॉर्क, वहां पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है करंट कैरिंग प्राइमरी कॉइल पे, वो फोर्स की वजह से वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सो दैट इज यूज टू डिफ्लेक्ट द पॉइंटर ऑफ द डिवाइस, और वो टॉर्क वहां पे यूज किया जाता है वहां के पॉइंटर जो है डिवाइस का, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए, ताकि वहां पे हमें कुछ रीडिंग मिल सके, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल पे आपका मेगर वर्क होता है, समझ में आया। तो यह है आपका मेगर। मेगर किसके लिए यूज होते हैं, होता है वहां का वाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम मेगर यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये इसकी डायग्राम है, उसका कंस्ट्रक्शन एंड उसका वर्किंग दे रहा हूं। नाउ नेक्स्ट वन इज द मेजरमेंट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग अर्थ टेस्ट। जैसे मैंने बोला आपको कि मेगर हम क्यों यूज करते हैं, वाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, वैसे आपको अर्थ का रेजिस्टेंस अगर मेजर करना है तो हम क्या यूज करेंगे, अर्थ टेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये डायग्राम है आपकी अर्थ टेस्टर की, यहाँ पे एक हैंड ड्रिवन डीसी जनरेटर है, ठीक है, ये करंट रिवर्सर है, यहाँ पे रेक्टिफायर्स यूज किए होते हैं, देन यहाँ पे पॉइंटर है आपका, ये स्केल है आपकी, ये एन एंड यस मैग्नेट है आपके, ये वोल्टेज कॉइल है आपकी, और ये आपकी करंट कॉइल है, ठीक है। और यहाँ पे ये C1 लिंक्स है, यहाँ पे ये लिंक्स है, ये C1 P1 P2 C2 ये पॉइंट्स है आपके, और ये आपका अर्थ है आपकी, यहाँ पे ये ई पॉइंट है, ई पी पॉइंट है, और ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। यानी ये यहाँ पे ये अर्थ रॉड्स होते हैं, ठीक है, ये अर्थ रॉड्स आपके अर्थ में उनको यहाँ पे फिक्स किया होता है, ठीक है, अर्थ में उनको फिक्स किया होता है, ठीक है। नाउ प्रोसीजर टू मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस, इसकी प्रोसीजर क्या है अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करने की, देखो, इट इज कनेक्टेड टू अर्थ इलेक्ट्रोड ई। यहाँ पे हमें क्या करना है, अर्थ टेस्टर को वहां पे हमें कनेक्ट करना है अर्थ इलेक्ट्रोड ई को, ठीक है। अर्थ इलेक्ट्रोड ई कहाँ पे है आपका, ये, तो ये अर्थ इलेक्ट्रोड है आपका, तो इसको आपको कनेक्ट करना है अर्थ टेस्टर को, ठीक है, हुज रेजिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड। इसका रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, मेजर करना है, ये अर्थ इलेक्ट्रोड ई का हमें रेजिस्टेंस क्या करना है, मेजर करना है। एंड द अदर स्पाइक पी एंड आर आई शोन इन दी फिगर, वहां पे दो और स्पाइक्स दिखाए हैं, स्पाइक यहाँ पे पी एंड क्यू, ये दो स्पाइक दिखाए हैं, ठीक है, डायग्राम में। सो व्हेन हैंडल इज रोटेटेड द डीसी फ्लोज फ्रॉम द जनरेटर, जब आप ये हैंडल को रोटेट करोगे, यहाँ पे एक हैंडल होता है, उसको आप हैंड से ड्रिवन करोगे, रोटेट करोगे, तब डीसी फ्लो होता है आपके जनरेटर में से, ठीक है। व्हेन हैंडल इज रोटेटेड द डीसी फ्लोज फ्रॉम द जनरेटर, जनरेटर से आपका डीसी करंट फ्लो होता है, करंट थ्रू द करंट कॉइल ऑफ द मूवमेंट टू द करंट रिवर्सर, वहां से डीसी फ्लो हो जाएगा जनरेटर से करंट कॉइल में से, ऑफ द मूवमेंट टू द करंट रिवर्सर, जो करंट रिवर्सर है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये करंट रिवर्सर में से आपका क्या हो जाएगा, डीसी करंट फ्लो हो जाएगा, जब आप ये हैंडल को रोटेट करोगे तब ये इसमें से आपका डीसी करंट फ्लो हो जाएगा ये करंट रिवर्सर से, ठीक है। एंड अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम द रिवर्सर थ्रू द सॉइल बिटवीन द इलेक्ट्रोड ई एंड आर, और आपका अल्टरनेटिंग करंट रिवर्सर से फ्लो हो जाएगा सॉइल में से,
बिटवीन अर्थ इलेक्ट्रोड, बिटवीन द इलेक्ट्रोड ई एंड आर, यहाँ पे ई और आर जो है आपका, ठीक है, ये अर्थ इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, तो ई एंड आर में से आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट जो रिवर्सर से फ्लो हो रहा है सॉइल में से, वो आपका फ्लो हो जाएगा इलेक्ट्रोड ई एंड आर में से, ठीक है। तो दिस वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द इलेक्ट्रोड पी एंड ई इज रेक्टिफाइड, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप है आपके ये दो इलेक्ट्रोड में, पी एंड ई इलेक्ट्रोड में, उसको रेक्टिफाइड किया जाता है रेक्टिफायर से, ठीक है। ए एंड पी में जो आपका वोल्टेज ड्रॉप रहेगा उसको रेक्टिफाइड किया जाएगा वहां के रेक्टिफायर से, एंड फेड टू द पोटेंशियल कॉइल ऑफ द मोटर मीटर, उसको कहाँ पे फेड किया जाएगा, पोटेंशियल कॉइल को, उसको कहाँ पे फेड किया जाएगा, पोटेंशियल कॉइल को, ठीक है। ये ई एंड पी में जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा उसको रेक्टिफाई किया जाएगा रेक्टिफायर की हेल्प से, ये यहाँ पे रेक्टिफायर दिखाया है, और वो किसको दिया जाएगा फिर आपको, ये यहाँ पे देखो ये दिया है आपके वोल्टेज कॉइल को, यानी वहां की पोटेंशियल कॉइल को, ठीक है। सो एज द इंडिकेशन ऑफ द मीटर डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस इट्स पोटेंशियल कॉइल, वहां पे जो इंडिकेशन रहेगा मीटर का वो डिपेंड रहेगा आपके रेशियो पे, पोटेंशियल कॉइल अक्रॉस इट्स पोटेंशियल, पोटेंशियल अक्रॉस इट्स पोटेंशियल कॉइल, जो पोटेंशियल रहेगा आपके पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस अक्रॉस में, उसके रेशियो पे आपका मीटर का इंडिकेशन डिपेंड रहेगा, ठीक है। मीटर से इंडिकेशन कशावरती डिपेंड है, जो पोटेंशियल आहे आपल्या पोटेंशियल कॉइल कॉइलच्या अक्रॉस मध्ये त्याच्या रेशियो वरती इथलं मीटरचं इंडिकेशन डिपेंड असणार आहे, अँड द करंट पासिंग थ्रू इट्स करंट कॉइल, आणि जेवढा काही करंट पास होतोय आपल्या करंट कॉइल वर मधून त्याच्यावरती सुद्धा हे मीटरचं इंडिकेशन डिपेंड असणार आहे, आणि डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर विल इंडिकेट डायरेक्टली रजिस्टन्स इन ओहम ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड अंडर टेस्ट, जो डिफ्लेक्शन रहेगा पॉइंटर का वो डायरेक्टली इंडिकेट करेगा वहां का रजिस्टेंस ओहम में, अर्थ इलेक्ट्रोड जो अंडर टेस्ट में लिया था अपन ने, ठीक है, ये तो वहां पे डायरेक्टली रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें किस में मिलेगी, ओहम में, ठीक। डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर विल इंडिकेट डायरेक्टली रेजिस्टेंस इन दी ओहम, जो डिफ्लेक्शन आहे पॉइंटर से ते डायरेक्टली इंडिकेट करेल आपल्या रेजिस्टेंस ची वैल्यू ओहम मध्ये, अर्थ इलेक्ट्रोड जे आपण अंडर टेस्ट मध्ये घेतला होता, ठीक आहे। हे अर्थ टेस्टर आहे, ठीक है, इथे चार टर्मिनल्स आहेत, सी वन पी वन पी टू एंड सी टू, यहाँ पे दिख रहा है आपको सी वन पी वन सी टू एंड पी टू, ये चार टर्मिनल्स यहाँ पे दिखाए हैं, ठीक है। और ये सी वन कहाँ पे कनेक्ट करना है आपके, ये सी वन को, ये अर्थ इलेक्ट्रोड है आपको जिसका रेजिस्टेंस हमें मेजर करना होता है, ठीक। ये पी वन भी यहाँ पे कनेक्टेड है आपका, ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड अंडर टेस्ट रहेगा, यहाँ पे डिस्टेंस दिया है आपको कितना रखना है ये इलेक्ट्रोड्स में। देन ये पी टू आपका, ये पी टू को कनेक्टेड है, और ये सी टू आपका, ये सी टू को कनेक्टेड है, ठीक है। वैसे रॉड्स लगते हैं आपको, इलेक्ट्रोड्स लगते हैं वहां 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 पे अर्थ में उनको फिक्स करने के लिए, ठीक है, समझ में आया। तो ये है आपका अर्थ टेस्टर, ठीक है। तो इसमें कुछ डाउट है आपको, आज हमने दो पॉइंट्स पढ़े, एक पहले तो हमने मेगर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखा, और दूसरा हमने देखा अर्थ टेस्टर, अर्थ टेस्टर का हमने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है किसी को तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।